बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल साइंस ग्रेड 8 पंजाब करिकुलम। ऑल ऑफ यू ओपन योर रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नर्वस सिस्टम। सो वट इज़ अ नर्वस सिस्टम? देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो बॉडी के मैसेज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाता है और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, मीन कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। मूव टू पेज नंबर 2। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व, दीज आर द नर्व विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है? नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो नेटवर्क हैं ये सारी की सारी कहाँ कनेक्टेड होती हैं? ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं और उसके बाद ये ब्रेन तमाम मैसेज बॉडी तक पहुँचाती हैं। सेकेंड इज न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन और नर्व सेल ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। और नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम, ये सब के सब न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल से बने होते हैं। हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इंटरनल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। इट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। It is the dendrites, the fine projection which receive message. It's a dendrites, it's a fine projection and it can receive the message. It's a axon, it is a long projection which conduct message away from the body. This is the body and this is axon. So axon carry the message away from the body. It's a terminal end of axon and it transmits the message to the next cell. Nerve. A nerve is cable-like bundle of axon enclosed in a common sheath. Nerve transmit message from one part of the body to another. So students, nerve जो होते हैं वो बिल्कुल cable-like bundle की form में होती हैं जो कि एक sheath में enclosed होती हैं। इसके अलावा nerve जो होती हैं वो message को body के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाती हैं। Type of nerve. On the basis of their function, neuron are of 3 types. So students, इनके फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन्स को हमने 3 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड इज इंटर न्यूरॉन। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड सेंड इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर, मीन मसल्स एंड ग्लैंड्स, द पार्ट विच रिस्पॉन्ड। एंड इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन एंड द एंड ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। लाइक दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, वॉट आर डेंड्राइट्स? फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। And this is a cell body. It contain cytoplasm and nucleus. It's axon. It's carrying message away from the cell body. Okay. Page number 4. Central nervous system, CNS. Central nervous system act as a control center of the whole nervous system. So students, जो central nervous system है वो body का क्या है? कंट्रोल सेंटर है, मीन बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन। इट इज़ डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम, उसके अंदर महफूज होता है और ये स्कल की बोन है। इसके अलावा हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसमें बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन।
फोरब्रेन जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. व्हाट इज अ सेरिब्रम? सो स्टूडेंट्स, सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम कंट्रोल मेनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सिंक, हियरिंग, परसेप्शन, मेमरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, etc. सो स्टूडेंट, सेरिब्रम क्या है? टॉप मोस्ट पार्ट है ब्रेन का. इसके अलावा सेरिब्रम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट में. स्टूडेंट्स, हमेशा ये होता है जब आपके सेरिब्रम का जो राइट पार्ट है अगर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होता है या इंजर्ड होता है, जो भी होता है, वो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड के ऊपर अफेक्ट करेगा. सेरिब्रम का राइट पार्ट अगर अफेक्टेड होगा तो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पर अफेक्ट होगा, और अगर सेरिब्रम के लेफ्ट साइड पर अफेक्ट होगा तो आपकी बॉडी का राइट साइड अफेक्टेड होगा. इसके अलावा सेरिब्रम जो है वो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है. वॉलेंट्री एक्शन मीन वो एक्शन जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. मूव टू द नेक्स्ट पेज. Inside cerebrum there is a small structure called thalamus. So students, it is the diagram, internal diagram of a brain. In this brain you can see the different parts of a brain like cerebrum, cerebellum and medulla. So cerebrum contain a small structure, thalamus. It's a thalamus and it's and what is the function of thalamus? It control the sensory function. It is the hypothalamus. It is the lie at the base of the thalamus. It's a base of thalamus. And it control body temperature, hunger and thirst. This is the midbrain. Midbrain is the small part of the brain which is present below the cerebrum. It receive information from the sense organ which is then passed an appropriate part of the forebrain. So what is the function of the midbrain? Midbrain is present below the cerebrum. It carry information, it take information from the sense organ and send it to the appropriate part of the forebrain. Second one is hindbrain. Hindbrain contains cerebellum, pons and medulla oblongata. So what is the function of the cerebellum? Cerebellum lies under the back part of the cerebrum. It act as a controller for maintaining the body balance. So cerebellum क्या करता है? Body के balance को control करता है and making precise and accurate movement. और इसके अलावा किसको control करता है cerebellum? Movement को control करता है. Pons, it's a pons and it is an oval shaped structure present beneath the midbrain. This is the midbrain and this is pod. So pons is located below the midbrain. It control many functions. So pons control many functions. What are the functions that pons can control? Pons can control sleep, swallowing, equilibrium and taste. These are the functions that pons can control. Last one is medulla oblongata from posterior part of the brain where it is connected with the spinal cord. So medulla oblongata किसके साथ connected होता है? Spinal cord के साथ connected होता है. Medulla oblongata control heartbeat, breathing and digestion. So what are the function that medulla oblongata can control? Medulla oblongata control all the involuntary action in which our thinking are not involved, like breathing, digestion, blinking of eyes and heartbeat. These are the function which we can't control. Medulla oblongata keep on working when rest of the brain goes to sleep. So students, medulla oblongata हमारे कौन से functions को control करता है? Involuntary functions को control करता है. Page number 6, spinal cord. Spinal cord is an extension of medulla oblongata. So students, हमने medulla oblongata की बात की थी. अब हम ये कह रहे हैं कि जो spinal cord है वो medulla oblongata की extension है. So it start from the backward inside the backbone up to its lower end. So students, हमारी जो spinal cord है वो यहाँ से start होता है और backbone के lower end तक जाता है. इसके अलावा ये interneuron से बना होता है. Spinal cord create a link between brain and different body parts. So student, हम ये भी spinal cord क्या क्या function करता है? Spinal cord जो है वो brain और body के जितने भी functions हैं उनके दरमियान एक link कायम करता है. हम कह सकते हैं कि spinal cord एक bridge की तरह act करता है brain और body parts के दरमियान. इसके अलावा ये कुछ reflex action like immediate and involuntary action उनको control करता है. इसके अलावा कुछ और involuntary actions हैं उनको भी control करता है. Involuntary actions mean those action which in which our thinking is not involved. Peripheral nervous system.
Peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of a network of nerves which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system, brain and spinal cord. The nerve which arise from the brain are called cranial nerve. The nerve which arise from spinal cord are called spinal nerve. There are 12 pairs of the cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in human body. So student, peripheral nervous system means PNS जो है वो कंसिस्ट होता है नर्व्स के नेटवर्क के ऊपर. अब ये जो नर्व्स होती हैं ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और ये तमाम नर्व्स बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं. वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होंगी, मतलब ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे. और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं. इसके अलावा जो हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं क्रैनियल नर्व्स, उसके 12 पेयर होते हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके 31 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शन. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इट आल्सो डिटेक्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पांस टू दीज चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है कि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, इसके अलावा एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और उनके लिए क्या करना, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना, उन चेंजेस के मतलब रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना. So students, in this diagram you can see the function of the nervous system. Any change in the environment that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called stimulus. Heat, cold, pressure, sound wave are the example of stimuli. The special organ tissues और सेल विच डिटेक्ट स्टेमलाय और कॉल्ड रिसेप्टर. सो स्टूडेंट्स, जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास जो स्टेमलाय को डिटेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस डायग्राम यू कैन सी द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. द सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज रिगार्डिंग स्टेमलाय इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को लेंगे रिसेप्टर से और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएंगे. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मैसेज को प्रोसेस करेगा और ट्रांसमिट करेगा नर्व को मोटर न्यूरॉन तक. अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कैरी द नर्व इम्पल्स टू द बॉडी पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. अब बॉडी पार्ट जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर. मसल एंड ग्लैंड इन द बॉडी एक्ट एज अफेक्टर. सो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो क्या कैसे एक्ट करते हैं, एज अ अफेक्टर एक्ट करते हैं. Actions controlled by the nervous system. So what are the action that nervous system can control? Our nervous system control voluntary and involuntary action. First action is voluntary. The body action which are performed under conscious control, which are done after thinking over them, are called voluntary action. For example, speaking, eating, running, walking, jumping, clapping, are वॉलेंट्री एक्शन. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जिसे हम अपने पूरे शहूर में करते हैं. कॉन्शियस कंट्रोल मीन हमारा शहूर होता है. ऐसे एक्शंस जिनमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, उन वो सब के सब एक्शंस क्या हैं, वॉलेंट्री एक्शन है. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस कौन कौन से हैं, स्पीकिंग मतलब हम अपनी मर्जी से बोल रहे होते हैं, ईटिंग मर्जी से खा रहे होते हैं, रीडिंग मर्जी से कर रहे होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग, दीज आर द वॉलेंट्री एक्शन. Second one is involuntary action. Involuntary actions, the body actions which are performed without involvement of thinking process are called involuntary action. So students, हमारी body के अंदर वो functions जिनमें हमारी thinking involve नहीं होती, वो actions involuntary actions कहलाते हैं. Involuntary actions are not performed under conscious control like heartbeat, breathing, blinking of eyes, movement of small intestine are the example of involuntary action. So students, voluntary actions के बारे में आपको बताया कि voluntary actions वो actions होते हैं जहाँ पर हमारी thinking involved नहीं होती, mean ये हमारे conscious control में नहीं होते. अब ऐसे actions जिन्हें हम control नहीं कर सकते वो actions जो involuntary actions हैं, और कौन कौन से involuntary actions हैं जो कि हमारी body में होते हैं. अब वो एक्शंस कौन कौन से हैं, हार्ट बीट, दिल की धड़कन. तो क्या स्टूडेंट्स, हम अपने दिल की धड़कन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, हम अपनी दिल की धड़कन को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते. ब्रीथिंग, सांस लेना, तो क्या सांस लेने का अमल हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते. ब्लिंकिंग ऑफ आइज,
इस आँखों का जो पलक झपकने का जो अमल है वो, और मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मीन हमारी जो छोटी आंत है उसकी जो मूवमेंट है वो, जो हरकत करती है वो, ये सब की सब क्या है, इन्वॉलेंट्री एक्शन। इसके अलावा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इन्वॉलेंट्री है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन ऑन योर नोटबुक ऑफ साइंस, एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। जज़ाकिल्ला फ़ी अमानिल्ला।